দুই হাজার চবিশে মৌসুমী স্বাভাবিক হব এখার মৌসুমি বর্ষা এনি আকলন করে ঘরোয়া পাণিপাগ সংস্থা স্কাই মেট দীর্ঘ অবধি আভরেজে শহে দুই প্রত্যমী বর্ষা আকলন করা সারা দেশে ছয়ানব্ব শহে চার প্রত্যেক স্বাভাবিক বর্ষা হব এলো ধীরে ধীরে লাগে পরিণত হচ্ছে লা যোগ মৌসুমী বা অধিক সক্রিয় রকাই মেট পূর্বানুমান করছে সাধারণত প্রত বর্ষ জুন্ পূর্ণ মৌসুমি কেরড় ছুঁই जुलाई पंद्रह बड़ को सारा देश को यह पर वर्तमान जोड़ी हुई हम स्थित फोन लाइन महेश जी आपका स्वागत करना चाहेंगे जो प्रेडिक्ट किया गया है स्कायमेट के द्वारा नॉर्मल मॉनसून रहेगा इस साल तो ये बड़ी राहत है सबके लिए महेश जी और मई में, कि में आ जाएगा। और जब हो तो लानीना कंडीशन बन जाएगी और जब लानीना होता है तो मानसून अच्छा होता है तो इसीलिए हमने कहा है कि मतलब जो लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है सिक्स सिक्स एट पॉइंट सिक्स मिलीमीटर बारिश होती है एक जून से तीस सितंबर तक उसका दो परसेंट ज्यादा मानसून रह सकता है तो मानसून अच्छा रहने की संभावना है और जून में लग रहा है की नाइन्टी फाइव परसेंट होगा और जुलाई में, में, 98 और में 110 जी जी ज, ज, जैसे कहा महेश जी आपने लॉन्ग पीरियड एवरेज 102 परसेंट रहेगा तो क्या क्या, क्या कंडीशंस है जिसके द्वारा इस साल नॉर्मल रहेगा मानसून जो लानीना है जब भी लानीना होता है तो आमतौर पर देखा गया है की 80 परसेंट जो मानसून है वो अच्छा रहता है तो इस बार लानिना है और इंडियन ओशन डायपोल जो एक और फैक्टर होता है वो भी पॉजिटिव है अगर इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव होता है तो मानसून में मदद करता है तो ये दो फैक्टर हैं और बहुत सारे फैक्टर हैं वो सब मिला करके अगर देखा जाए तो इसीलिए प्रडिक्शन है कि नॉर्मल रहेगा और नॉर्मल में भी जो पता है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज का 96 से 104 जीरो परसेंट वो नॉर्मल कैटेगरी में मानते हैं

काफी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बारिश लग बहुत बहुत धन्यवाद आपका महेश, महेश वाइस जोड़ी होते फोन लाइन अधिक आलोचना करबिश में मौसुमी स्वाभाविक रिहा आश्वस्तिकर खबर समस्त कारण मौसुमी स्वाभाविक रंग बर्षा स्वाभाविक हम घर पाप स्कायमेट पक्ष आकलन कर